बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद रविश यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। छोटे बच्चों को दें, बड़ों को दें, सभी को यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 अदद हम अंडे लेंगे और 3 ही ब्रेड लेंगे। आपने एक ब्रेड लेना है तो एक अंडा ले लें, 2 ब्रेड लेने हैं तो 2 अंडे ले लें। तीनों अंडों को हम तोड़ के एक बाउल में डाल लेंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं या लंच बॉक्स में बच्चों को बना कर दें, जब मर्जी आपका दिल करे आप इसको फटाफट बना के इंजॉय कर सकते हैं। तीनों अंडे जो हैं वो मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसके अंदर एक बड़ा चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, पिसी हुई चीनी, आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम चुटकी भर इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 अदद मैंने ब्रेड लिए हैं, इसको हमने इस तरह से जो रफली है वो काट देंगे। अब एक ब्रेड के हम 4 पीस करेंगे छोटे छोटे, इस तरह से दरमियान से आप काट लें। तो एक ब्रेड के 4 टुकड़े बन जाएंगे, यही हमें साइज़ चाहिए। तो हम तीनों ब्रेड के सेम पीसेस बना लेंगे। दूसरा ब्रेड भी लेंगे, इसी तरह से कट करेंगे। आप पूरे ब्रेड को भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे पीसेस में बनाएंगे। तीसरे ब्रेड के भी इसी तरह से काट लेंगे। तीनों ब्रेड के छोटे छोटे पीस जो हैं वो मेरे पास हैं। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल को ब्रश की मदद से लगा देंगे। थोड़ा सा हमने बिल्कुल ऑयल लगाना है इसमें। ये जो ब्रेड के हमने पीस किए हैं इसको हमने अंडे में डिप करना है। दोनों तरफ से ब्रेड को डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम पैन में डाल देंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। 4 ब्रेड के पीस हम पहले डालेंगे और बाकी जो है वो बाद में डालेंगे। एक एक करके मैंने 4 ब्रेड के पीस इसमें डाल दिए हैं अंडे में डिप करके। 30 सेकंड बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। कलर जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है इसका, गोल्डन। इनकी साइड चेंज करेंगे तो 1 मिनट उस तरफ से भी हम फ्राई करेंगे और यही कलर हम गोल्डन उस तरफ से भी लेकर आएंगे। एक मिनट इस तरह से भी फ्राई हो चुके हैं, तो अब ये जो किनारे हैं इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। एक एक ब्रेड आप उठाएं और इस तरह से नीचे लगाते जाएं पकड़ के। सारे पीसेस को मैंने चारों तरफ से भी फ्राई कर लिया है, तो अब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और कितना अच्छा फ्राई हुआ है। तो ये 4 पीस हम निकाल लेंगे। ये 6 माह के बच्चे को भी आप दे सकते हैं बना के, वो भी अच्छी तरह से खा सकता है। उसी तरह से हम सेम प्रोसेस करेंगे। पैन में ऑयल लगाएंगे और सारे ब्रेड जो बाकी के बच गए हैं वो भी ऐड करते जाएंगे। इस बार मैंने 5 ब्रेड डाल दिए हैं, तो ये देखें इनके ऊपर भी कलर आ चुका है दोनों तरफ से। तो इनको भी हम निकाल लेंगे, किनारों से इस तरह से फ्राई कर लें। बाकियों को भी हम किनारों से कर लेंगे इस तरह से पकड़ पकड़ के और निकाल लेंगे। तो फ्रेंच टोस्ट बन के हमारे रेडी हैं। बहुत मज़े के बने हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। आपके पास टाइम ना हो तो आप लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में बच्चों को बना के दे सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।